नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गैस सिलेंडर व पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के विरोध में कांग्रेस जनों ने किया प्रदर्शन। नगर निगम द्वारा अभियान चलाकर बकाए कर की हुई वसूली। और राज्य मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र के प्रथम काशी आगमन पर हुआ जोरदार स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। गैस सिलेंडर व पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के विरोध में कांग्रेस जनों ने प्रदर्शन किया। लगातार गैस सिलेंडर व पेट्रोल डीजल की हो रही मूल्य वृद्धि के खिलाफ जन जन तक सरकार के वादा खिलाफी की आवाज पहुंचाने के उद्देश्य से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सिलेंडर पर माला पहनाकर घंटा घड़ियाल बजाकर गोला दीनानाथ मंडी में चेयरमैन दुर्गा प्रसाद के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जुलूस विभिन्न मार्गों से होते हुए गोला दीनानाथ बाबा व हनुमान जी मंदिर पर जाकर समाप्त हुआ, जहां सरकार की सद्बुद्धि हेतु प्रार्थना की गई। इस मौके पर दिलीप जायसवाल, मनोज वर्मा, विपिन पाल, राजू शर्मा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। क्या है दुर्गा प्रसाद या किस लिए प्रदर्शन? राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि जिस प्रकार से 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद 137 दिनों से मूल्य वृद्धि पेट्रोलियम पदार्थों की रुकी थी, उसके बाद से पुनः चालू हो गया। थोक में 25 रुपये बढ़ा दिया गया डीजल की कीमत, और अब जो है 80-80 पैसे प्रतिदिन बढ़ाते हुए कम से कम 9 रुपया बढ़ चुका है अब तक। ये जो है सरकार जो है जनता के साथ छल कर रही है। 137 दिन का बुलावा दे कर करके आगे 2500 रुपये तक जो मूल्य वृद्धि जो है थोक में हुई है उसी वहीं तक ले जाकर के ये छोड़ेंगे। हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के मूल्य वृद्धि के साथ साथ जो है सभी चीज़ों की कीमतें महंगी हो जाएंगी, और इसका बुरा प्रभाव हमारे देश की जनता के ऊपर पड़ेगा। इसका राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार हम लोग ये मूल्य वृद्धि का विरोध कर रहे हैं, और अपने दरवाजे पर और सार्वजनिक स्थलों पर सिलेंडर रख कर करके के वृद्धि अमूल्य वृद्धि जता रहे हैं। व्यापार पर कितना फर्क पड़ रहा है? इसका बहुत बड़ा फर्क व्यापार पर पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ों की जो ढुलाई है वो महंगी होगी। ढुलाई महंगी होगी तो सब चीज़ की कीमतों पर भी इसका असर पड़ेगा। या दिल्ली से आवे, कलकत्ता से आवे, बॉम्बे से आवे, कहीं से भी जो हम लोगों का सामान आता है व्यापारियों का, उन सब चीज़ों की लागत बढ़ेगी, और उसका बुरा असर अंततः जनता के ऊपर ही पड़ेगा। हम भगवान मंदिर के सामने हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये साक्षात भगवान गवाह हैं। योगी जी, मोदी जी, हम व्यापारियों के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं कि जो व्यापार हम लोगों का आज 7 साल पहले जो व्यापार हम लोगों का लाखों में व्यापार होता था, आज वो हजारों में आ चुका है। यही गोलानाथ दीनानाथ जो मंडी है, पूर्वांचल की मसाले की सबसे बड़ी मंडी है, 7 साल में यहीं के दुकानदारों से आप पूछ लीजिए, आप गवाह सारे दुकानदार हैं कि जो सामान पहले 1 रुपये का था, आज वो 10 रुपये का हो चुका है। इन सब पर योगी मोदी जी का कोई वो नहीं है नियंत्रण, केवल महंगाई महंगाई महंगाई। जो भी आप महंगाई ला रहे हो, ये गृहणियों के ऊपर कितना इसका असर पड़ रहा है ये गृहणियाँ जानती हैं। ठीक है योगी जी, मोदी जी, ठीक है बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम व्यापारियों के लिए क्या कर रहे हो भाई आप? केवल महंगाई से सारा व्यापार चौपट हो चुका है। हमारी मांग यह है कि पहली बात तो यह है कि व्यापार पर जो तमाम टैक्सेज हैं उसे आप कम करो, और आप ये जो गृहणियों का जो सामान जैसे गैस सिलेंडर है, इसे आप पुनः आज से 7 साल पहले ये 400 रुपये में था, आप इसे पुनः वापस लें इसको, क्योंकि इसमें सारा गरीबों को परेशानी हो रहा है। 10-5 किलो गेहूं चावल बांटने से गरीबी दूर नहीं होगा। जब तक कि गरीबों को आप रोजगार मुहैया कराइए, आप गुंटी मुहैया कराइए, उनको धन उपलब्ध कराइए, केवल राशन बांटने से गरीबी दूर नहीं होगा। यहाँ कोई भूखा नहीं है, ये कोई भेड़ियों का देश नहीं है, ये सक्षम देश है, भारत भर पूरा सक्षम। नगर निगम द्वारा अभियान चलाकर बकाए कर की वसूली की गई।
वाराणसी में भवन व दुकान का नगर निगम का कर न जमा करने वालों पर शिकंजा कसा गया। इसी क्रम में नगर आयुक्त के निर्देशानुसार जोनल अधिकारी भेलुपुर प्रतिमा सिंह व प्रवर्तन दल द्वारा विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें भवन स्वामियों से मिलकर वसूली की कार्रवाई की गई। वहीं जोनल अधिकारी ने बताया कि जो बकायेदार अगर नहीं मानते हैं तो सख्त कार्रवाई के साथ कुर्की की भी कार्रवाई की जाएगी। ये वसूली की प्रक्रिया अनवरत चलती चली आ रही है। इस क्रम में बकायेदारों के पास हमारे संबंधित रेवेन्यू इंस्पेक्टर महीनों से आ रहे थे। कई बार आने के बावजूद, नोटिस और वारंट दिए जाने के बावजूद, यहाँ तक कि दुकानों पर हम लोगों ने नोटिस भी चिपकाई, उसके भी बावजूद इन लोगों ने समय पर निर्धारित अवधि में अपने कर को जो है इन्होंने जमा नहीं किया नगर निगम वाराणसी को। तो अंत में हमें पूरी टीम के साथ आकर के यहाँ पर जो सीलिंग की कार्रवाई है उसके लिए भेजा गया कि उस दौरान भी अगर ये टैक्स जमा कर देते हैं तो हम सभी कार्रवाइयों से मुक्त करते हुए इनका टैक्स जमा कर देंगे। और क्योंकि कल 1 अप्रैल आ जाएगा, पुनः ब्याज जुड़ जाएगा और ये टैक्स की जो अमाउंट है ये बढ़ जाएगा, तो इन बकायेदारों को देने में और समस्या होगी। तो नगर निगम वाराणसी नगर आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में अधिकतम कर वसूली के हेतु इस अभियान को चला रहे हैं। हर श्रेणी के बकायेदारों पर कार्रवाई की जा रही है, परंतु मुख्य रूप से जो 50,000 लाख रुपए या इस तरह के बकायेदार हैं उनको प्रमुखता दी जा रही है। बकायेदारों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपना सुरक्षा से जा करके? बकायेदारों को यही संदेश है कि समय से आप कर जमा करें और जो भी छूट है करंट पे उसका लाभ उठाएं। इस तरह का प्रक्रिया मत अपनाएं कि हम लोग को आ करके उनके द्वारा कर की वसूली करनी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हाईलाइट होते हैं, उनकी छवि भी प्रभावित होती है। अगर बकायेदार नहीं जमा करते हैं तो किस तरह की कार्रवाई? अब यही कार्रवाई है, सीलिंग है, कुर्की है, उसके आगे की जो भी प्रक्रिया है हमारे नियमानुसार वो। राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र के प्रथम काशी आगमन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनने के बाद पहली बार वाराणसी आ रहे डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु का बाबतपुर से लेकर शहर में जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ। शहर के विभिन्न स्थानों पर बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी रही, वहीं कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका माल्यार्पण करते हुए ढोल नगाड़ों के बीच उनका स्वागत किया। RSS प्रचारक ने दलित महिलाओं को बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कराया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने आज बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेका। इस दौरान विशेष ये रहा कि उन्होंने बड़ी संख्या में दलित महिलाओं को बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कराया। उनका कहना था कि विश्वनाथ धाम केवल मानवों के लिए नहीं है बल्कि सभी प्राणियों के लिए है। छुआछूत की भावना से ऊपर उठकर आज दर्जनों की संख्या में दलित महिलाओं के साथ विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया गया है। बाबा भोलेनाथ का दरबार केवल मानवों के लिए नहीं, सर्व प्राणी मात्र के लिए, इसलिए प्रभु चाहे भोलेनाथ के रूप में है, चाहे माता पार्वती के अन्नपूर्णा के रूप में है, जातियों में भेदभाव नहीं करते, मजहबों में कट्टरता, हिंसा और द्वेष नहीं करते, लिंग में नारी पर जुल्म नहीं करते। जो गरीब, दुखी, पीड़ित, कमजोर, असहाय, निर्बल है, उनके वो कल्याण करता है। आज जो परंपरा चली आ रही थी उसका एक प्रकाश हुआ है कि जो OBC, SC, ST अल्पसंख्यक ये समुदाय हैं, इन सब ने ये इच्छा प्रकट की कि समूह के रूप में हमारे साथ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने, माँ पार्वती का जयकारा लगाने, गंगा मैया हम सबके दुख हर ले, इस रूप में जाएंगे और पूजा करेंगे। और इसलिए विश्वनाथ हर प्राणी मात्र के थे, हैं और सदा रहेंगे, इसलिए बाबा विश्वनाथ सबको जोड़ते हैं। और बाबा विश्वनाथ की ये पुण्य धरा काशी भारत माता सबको मिलाती है, इसलिए सबको मिलाए भारत माता, सबको खिलाए विश्वनाथ, इस प्रकार से जय घोष करते हुए एक अद्वितीय कार्यक्रम की रचना हुई और वह सफलतापूर्वक हुआ है। धर्मांतरण होगा नहीं, रिलीजन में झगड़े नहीं होंगे, जाति में छुआछूत ना रहकर समता और समानता, समरसता आएगी।
आज का दिन भारत के इतिहास में इस बात के लिए स्मरण किया जाएगा कि हिंद, हिंदू और हिंदुत्व यानी सनातन सबको जोड़ता है, सबका सम्मान करता है, सबको स्वीकार करता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर हुए हमले के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश के गृह मंत्री के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है, यद्यपि बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में हमला किया गया, यह अत्यंत दुखद है और पुलिस की निगरानी में इस तरह की घटना होना चिंता का विषय है। जब मुख्यमंत्री का आवास सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या हाल होगा, ये किसी बड़ी साजिश को दर्शाता है। भविष्य में कोई बड़ी घटना होने की संभावना है जिसके लिए सीधे गृह मंत्री जिम्मेदार होंगे। विरोध प्रदर्शन जिलाध्यक्ष कैलाश पटेल के नेतृत्व में हुआ। इस दौरान अब्दुल्ला खान, कृष्ण कांत तिवारी, रेखा जायसवाल, घनश्याम पांडे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। नानी थे, उसमें हर जात के लोग थे, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। तो हमको हिंदू मुस्लिम ना सिखाया जाए, हम ऐसा हिंदू बनने के लिए नहीं तैयार है। हमको कोई डर मुसलमान से नहीं है, ना हमारा देश कभी डरा था, आज तक किसी ने ऐसा आक्रमण नहीं किया। हम डरते हैं तो इन्हीं हिंदुओं से डरते हैं, जो हमारे अमित शाह जी हैं और जो हमारे मोदी जी हैं, जो हमारे ये नाटेकथ के जो हमारे हमारे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये क्या इनके ऊपर अपराधीकरण नहीं है? इन पर मुकदमा चल रहा, खुद ही अपने मुकदमा अपना केस देख लेते हैं। और हमको देखिए कोई गुरेज नहीं है कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, हमारा जो न्याय हो रहा है हमारी हमारी संतुष्टि के लिए नहीं हो रहा है। और हमारे केजरीवाल जी के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। आज ये जो है अभी तो हम लोग दिखा रहे हैं, हम लोग जान माल अपना सब हथेली पे लेके केजरीवाल की सुरक्षा के लिए मैदान निकल चुके हैं, कुछ भी करना होगा। इसी कड़ी में इस हमले के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अस्सी घाट पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सीएम के आवास पर हुए हमले का पुरजोर विरोध किया। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से कृष्ण कांत तिवारी, राकेश पांडे, सुनील तिवारी इत्यादि कार्यकर्ता शामिल रहे। आज जिस तरह दिल्ली में घटना हुआ है, एक लोकतंत्र की जिस तरह हत्या कहते हैं, हत्या हुई दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पे। भाजपा के गुंडों ने जिस तरह आक्रामक तरीके से वहाँ के सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा है, वहाँ पे लगी कॉरिडोर को तोड़ा है, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड के साथ हाथापाई किए हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। और ये आक्रामक तरीका जिस तरह भाजपा के गुंडे कर रहे हैं, इस जितना भी तमाशा वहाँ हुआ है उसमें वहाँ की दिल्ली पुलिस मुख्य दर्शक बन के खड़ी थी। वहाँ सिर्फ उनको जब डंडा चलाना था, जिस तरह यहाँ पे हम लोग यदि कोई कार्यक्रम करें मुख्यमंत्री आवास पे, तो यहाँ के उत्तर प्रदेश की पुलिस डंडा से मार के भगाएगी, लेकिन वहाँ पे दिल्ली पुलिस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अमित शाह के हाथ में है, अमित शाह जी से मैं निवेदन करता हूँ कि उस गुंडों को तत्काल आप गिरफ्तार करवाइए। चैत्र नवरात्र पर माँ गौरी के दर्शन पूजन के संदर्भ में ज्योतिषाचार्य पंडित पवन त्रिपाठी ने विशेष जानकारी दी। हिंदू नव संवत्सर का प्रारंभ इस वर्ष 2 अप्रैल शनिवार से हो रहा है। इस दिन से हिंदू नव वर्ष का आरंभ होता है। इसके साथ ही चैत्र नवरात्र प्रारंभ होता है जिसमें देवी की विशेष आराधना की जाती है। हालांकि चैत्र नवरात्र में विशेष रूप से माँ गौरी के स्वरूप का दर्शन पूजन किया जाता है, वहीं इस विषय में ज्योतिषाचार्य पंडित पवन त्रिपाठी ने जानकारी दी। उन्होंने चैत्र नवरात्र के महत्व से लेकर पूजन पाठ की विधियों के विषय में विस्तार से बताया। देखिए, नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद नव नव नभ के नव भ्यग बिंदु सु नव पर नव शरदे। नव जो है संख्यावाचक भी है और नव नूतनतावाचक भी है। नई रात्रियां
जीवन की नई रात्रियां प्रारंभ होती है, ये भी कह सकते हैं वर्ष की नूतन सुप्रभात होने जा रहा है। और हमारे यहाँ जो नया वर्ष का प्रारंभ माना गया है वो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही माना गया है। क्यों? क्योंकि इसी दिन सृष्टि का विन्यास हुआ था और ये कलयुग चल रहा है। कलयुग का 5123 वर्ष बीत चुका है और 124वें वर्ष में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। यह हिंदू सनातन नववर्ष के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष का के प्रारंभ में राक्षस नाम संवत्सर होगा, लेकिन वैशाख कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से यानी गुरुवार से नल नाम का संवत्सर प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन संकल्प इत्यादि पूजा पाठ में राक्षस नाम संवत्सर का ही विनियोग सभी धर्मशास्त्री करेंगे। नई रात्रियां, नूतन रात्रियां, नवरात्रियां, बात करते हैं नवरात्र की। नवरात्र पर हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि देवी का आगमन किस पर होता है और गमन किस पर होता है, उससे हम नवरात्र का वर्ष पर्यंत का फलाफल जानते हैं कि उसका फल कैसा रहेगा। तो इस बार भगवती का आवाहन जो है, आगमन जो है, वो तुरंग पर यानी घोड़े पर हो रहा है और गमन जो है महिक पर हो रहा यानी भैंसे पर हो रहा है। ये दोनों धर्मशास्त्र की माने, ज्योतिष ग्रंथों की माने, यह दोनों आगमन और गमन इस बार शुभ नहीं है, शुभता देने वाला नहीं। इसके कारण से राष्ट्र में विप्लव बढ़ सकते हैं, उत्पात हो सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, सत्ता परिवर्तन हो सकता है, नाना प्रकार के उत्पात होने की संभावना प्रबल हो जाती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस बार पूरी की पूरी नवरात्रि प्राप्त हो रही है, किसी भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है। पूरी की पूरी नवरात्रि है, भक्त लोग बड़ी श्रद्धा अनुराग और विश्वास से इन नवरात्रियों का पृथक पृथक देवियों का भाव से, कभी कभी ऐसा होता है कि तिथि का क्षय हो जाने से एक ही दिन दो दो देवियों के दर्शन, दो दो उपासना, ऐसा इस बार नहीं है। तिथि का क्षय हो न होना यह शुभता का संकेत है, यानी कि जहाँ देवी का आगमन और गमन गलत संकेत दे रहा है उसी तो उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो देवी का जो नौ दिन का नवरात्र पड़ रहा है, संपूर्ण दिवसीय नवरात्र पड़ रहा है, यह सुविधा देने वाला होगा। विशेष महत्व खास तौर से काशी में गौरी परिक्रमा का इस वासंतिक नवरात्र में विशेष महत्व बताया गया है, जिसमें प्रथम दिन मुख निर्मालिका गौरी का दर्शन जन पूजन किया जाता है और दूसरे दिन ज्येष्ठा गौरी का, तीसरे दिन सौभाग्य गौरी का, चौथे दिन श्रृंगार गौरी का, पांचवें दिन विशालाक्षी गौरी का, छठे दिन ललिता गौरी का और सातवें दिन भवानी गौरी का और आठवें दिन मंगला गौरी और नवे दिन महालक्ष्मी गौरी। ये गौरी परिक्रमा और गौरी दर्शन का भी वासंतिक नवरात्र में खास तौर से काशी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा महत्व है। बरेका कैंपस में बने अंडरपास के समक्ष पेड़ से लटकता वृद्ध का शव मिला। मनवाड़ी थाना क्षेत्र के बरेका कैंपस में बने अंडरपास के पास गुरुवार की सुबह एक पेड़ से लटकता वृद्ध का शव मिला। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मनवाड़ी पुलिस के साथ रेलवे पुलिस भी पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को बरेका अंडरपास की तरफ जाने वाले रास्ते पर रेलवे लाइन के किनारे पेड़ पर एक वृद्ध का शव लटकता देख राहगीरों ने पुलिस को सूचना दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शिनाख्त कराने के प्रयास में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बरेका चौकी इंचार्ज की सुस्ती के चलते ये घटना हुई है, क्योंकि बगल में नाथुपुर गेट के समीप शराब की दुकान पर दिन भर अराजक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। आपकी जानकारी में डालना चाहूँगा, ये रेलवे ट्रैक के किनारे जो कि गुल्लनपुर हॉल्ट स्टेशन के पास में है, यहाँ पर पेड़ के से लटकी डेड बॉडी मिली है जो BLW कैंपस के ठीक बाहर मौजूद है और हाथ बंधे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे मर्डर करके डेड बॉडी को टांग दिया गया हो। बॉडी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और आइडेंटिफाई करने के पश्चात में इस केस को जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड किया जाए। तो कहाँ कराने वाला है, कुछ पता चला है क्या? देखिए, अभी हम पहचान एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी जनता के लोगों से, आसपास के लोगों से और जो डॉक्यूमेंट्स से इनके पास से बरामद हुए हैं उनके माध्यम से इनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं और आइडेंटिफाई करने के साथ ही इनको जल्दी से जल्दी वर्कआउट करके मुलजिमों को जेल भेज देंगे। मैंने पहले बताया कि जिस तरीके से डेड बॉडी को टांगा गया है और जिस प्रकार से हाथ बंधे हुए हैं उससे सब प्रतीत होता है कि मर्डर करके डेड बॉडी को टांगा गया। रामनगर टिंगरा मोड़ पर राहगीर की जेब काटते हुए उचक्का पुलिस के हत्थे चढ़ा। रामनगर टिंगरा मोड़ पर किसी राहगीर की जेब काटते हुए उचक्का पकड़ा गया। रामनगर टिंगरा मोड़ पर बस के इंतजार में खड़े राहगीर की पैंट की जेब से पैसे निकालते समय एक जेब कतरा आज पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसे भीटी चौकी इंचार्ज श्री प्रकाश सिंह ने विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया।
गोरखपुर के सांसद रवि किशन के बड़े भाई रमेश किशन शुक्ला का इलाज के दौरान निधन हो गया, वहीं मणिकर्णिका घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन शुक्ला के बड़े भाई रमेश किशन शुक्ला का इलाज के दौरान नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में बुधवार को निधन हो गया। उनका शव देर शाम वाराणसी लाया गया। मणिकर्णिका घाट पर रवि किशन के भाई रमेश किशन शुक्ला का अंतिम संस्कार हुआ। मुखाग्नि बड़े भाई राजू ने दी। देर शाम रमेश किशन के शव को लेकर रवि किशन और उनका परिवार वाराणसी पहुंचा। चौक थाने के पास कुछ देर शव रुका। इस दौरान भाजपा नेता समेत कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कुछ देर रुकने के बाद शव को मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार हेतु ले जाया गया। अंतिम यात्रा में लोगों की भारी भीड़ दिखी। जौनपुर जिले में केराकत कोतवाली क्षेत्र के बिसुई बराई गांव के मूल निवासी सांसद रवि किशन के बड़े भाई रमेश किशन शुक्ल कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गैस सिलेंडर व पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के विरोध में कांग्रेस जनों ने किया प्रदर्शन। नगर निगम द्वारा अभियान चलाकर बकाए कर की हुई वसूली। और राज्य मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र के प्रथम काशी आगमन पर हुआ जोरदार स्वागत। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।